बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैंने नाश्ता बनाया है। दो नान मंगवाए थे मैंने और साथ में जो है चाय बनाई है। तो कप मैं हॉस्पिटल में रह गई हूँ, कप इन्होंने सारे तोड़ दिए हैं। अब मैं ये देखें इस तरह हो गए हैं सारे, अब मैं न्यू मंगवाऊँगी तो फिर देखेंगे। अभी यही थे तो मैंने इसी में चाय डाल रही है। तो नान मैंने एक अपने बेटे के लिए और एक अपने लिए मंगवाया है। बच्चियों ने चाय रास्ते खाने थे, वो भी उठी भी नहीं थी। और ये नलियों का सालन पड़ा हुआ था थोड़ा सा, हस्बैंड के दोस्त लेके आए थे तो उन्होंने खाया नहीं था। तो मैंने सोचा चलो नान के साथ बेटा और मैं मिलके खा लेंगे। तो हम लोगों ने नाश्ता किया, ये मैं चाय पी रही हूँ और चाय दो बार मैं पीते पीते गिरने लगी थी। उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनानी थी, खाना बनाने का सोचा था। तो बच्चों ने बोला था गोश्त वगैरह कुछ ना बने, तो मैंने आलू बैंगन और चावल बनाने का सोच लिया। मैंने कहा चलो सब्ज़ी पक जाएगी, बच्चे भी शौक से खा लेंगे। तो मैं सब्ज़ी काट रही थी बैठ के, आलू बैंगन और कुछ के मैंने छिलके उतार लिए थे, कुछ के नहीं उतारे थे। और ज़्यादा छिलके भी रखे तो हांडी ब्लैक ब्लैक हो जाती है, तो बच्चे नहीं खाते इस तरह। तो मैं एक दो के छिलके उतार लेती हूँ, एक दो बैंगन ऐसे ही रख लेती हूँ, तो ज़्यादा टेस्टी इस तरह बनते हैं। और इस तरह मैंने छोटे छोटे पीसेस काट के इसका मसाला भून के तो प्रेशर में डाल दिया था, क्योंकि हमें नाश्ता करते हुए ही और घर के काम करते हुए ही ना टाइम काफ़ी हो गया हुआ था। मैंने सारे आलू वगैरह काटे और कपड़े, बारिश हो रही है तो इस वजह से कपड़े जो मैंने धुलाए थे वो सारे मुझे सोफ़ों पे डालने पड़े थे। ये देखें सारे सोफ़ों पे कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं थोड़े थोड़े करके इस तरह। लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा था, मैंने पंखा भी चलाया हुआ था, लेकिन अब जब तक कपड़ों को धूप नहीं लगेगी कपड़े सूखेंगे नहीं सही तरह से। तो इसी तरह सारे कपड़े फैलाए हुए हैं, वो जो धोने वाली आई थी काम वाली वो धो के तो इस तरह सारे वन बाय वन फैला गई थी, लेकिन इनमें से सूखे हुए नहीं है, थोड़े थोड़े सीले सीले से हैं कपड़े। तो मुझे अजीब सी स्मेल आ रही है क्योंकि गीले ही थे जब वो डाल रही थी, तो बारिश स्टार्ट हो गई तो मैंने रात को उतार के नीचे डाल दिए थे इस तरह से। तो अभी ये देख लें इस तरह पड़े हुए हैं सारे कपड़े और कचरा मचा हुआ टी लॉन्च में। लेकिन मैंने ऊपर से सफाई कर ली थी, लेकिन मैंने कपड़ों को नहीं छेड़ा था क्योंकि इसके अलावा कोई तार वगैरह नहीं है जो मैं बांध के तो कर लूँ, मतलब सफाई कर लूँ, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रहने दिया था। मैंने कहा सूखेंगे तो फिर उतार लूँगी। तो ये मैंने साथ ही चावल डाल दिए थे और साथ भी सालन बन गया था मेरा। प्रेशर में बनाने का मकसद ये होता है कि ज़रा झटपट खाना बन जाता है, मसाला जल्दी से मतलब बंद किया, स्टीम दिया और बाद में खाने को स्टीम दिया तो झटपट सारा सिस्टम हो जाता है। उसके साथ ही मैंने चावल रख लिए थे, बच्चों को बहुत ज़ोर से भूख लग गई हुई थी। और ये हुआ था कि मेरा खाना थोड़ा कम ही था तो खाना जल्दी ख़त्म हो गया था। एक मेहमान भी आ गया था जो गाड़ी चलाते हैं, मेरे हस्बैंड के कज़न है, तो वो भी आ गए थे तो उनको भी खाना देना था। इस वजह से थोड़ा ना देर हो गई थी, फिर खाना बनने में भी देर हो गई थी, तो खाना हमारा झटपट बनते ही ख़त्म भी हो गया था। फिर रात को बच्चों को फिर से भूख लग गई थी, मैंने टिक्कियाँ वगैरह बनाई थी, आई थिंक सो के उनकी वीडियो मैंने शूट नहीं की थी, तो टिक्कियाँ बना के उनको दी थी बच्चों को। ये मैंने खाना बनाया था। उसके बाद ये हुआ था कि कश्यप साहबा को भूख लग गई थी आधी रात को खाना खाने के बाद, तो फिर वो उठ उठ के नूडल्स बना रही थी कोई एक बजे के करीब। तो उसने अपनी रिकॉर्डिंग खुद की हुई है, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़ आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज मैं बनाने लगी थी नूडल्स, लेकिन कुछ अलग तरीके से, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाली रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो सिंपली जैसे नूडल्स को बॉईल करना है, सबसे पहले पानी को बॉईल करना, तो पानी बॉईल हो रहा है मेरा, तो साथ इसके अंदर नूडल्स डालती हूं, फिर आप लोगों को दिखाती हूं। एक साइड पे नूडल्स हो रहे हैं बॉईल, तो दूसरी साइड पे इधर आ जाते हैं हम। तो ये जो नूडल्स के अंदर से दोनों मसाले निकले, मैंने छोटे पैकेट लिए थे इसलिए दो मंगवाए थे, तो ये दोनों जो मसाले निकले हम इसको पहले इसके अंदर डालते हैं। जी तो जो नूडल्स में से मसाला निकला है वो डाला है, साथ चिली फ्लेक्स डाली है मैंने थोड़ी सी, और ओरिगैनो जो पिज़्ज़ा में जाती है, ये डालें ना डालें ऑप्शनल, सौदा डाल दी। अच्छा, ये सब कुछ डालने के बाद उसके साथ ही जाएंगे थोड़े से तिल और सोया सॉस जाएगी इसके अंदर थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, और साथ चिली सॉस आएगी, टुके में चिली सॉस लेके आ। ये देखें ये चिली सॉस, ये जाएगी इसके अंदर थोड़ी सी। उसके साथ इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर डालूंगी, ठीक है? ये देखें ब्लैक पेपर थी मेरे पास, ये डालूंगी मैं इसके अंदर। ब्लैक पेपर के बगैर मुझे जायका नहीं आता किसी भी चीज़ का, इसलिए मैंने ये डाला। इसमें चॉप्ड अनियन भी जाते हैं, बट मुझे, मैंने एक दफ़ा उसके साथ ट्राई किया था, मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था लगा,
इसलिए फिर नेक्स्ट टाइम जब मैंने बनाया तो मैंने सोचा बहन इसको रहने देती हूँ, बाकी सब कुछ डाल लेती हूँ। तो ये सब कुछ मैंने डाल दिया, अब इसके अंदर जाएगा खोलता हुआ तेल। तो मैं आप तेल अब दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मैंने फ्राई पैन ले लिया। फ्राई पैन इतना बड़ा इसलिए क्योंकि छोटा मेरी मामा छुपा गई हैं, पता नहीं किधर आ गई हैं, नहीं मिल रहा। तो ये इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल। ठीक है, ये देखिए मैंने थोड़ा सा ना, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया मैंने इसके अंदर। इसको करेंगे अच्छी तरीके से गर्म, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। जी तो इधर हो चुका है मेरा तेल गर्म। तो ठीक है, जो गर्म गर्म तेल है जो मैंने जिसमें सब चीज़ें डाली थी जिस पॉल में, उसके अंदर मैं ये तेल भी ऐड कर दूँगी। ये देखें इसके अंदर सब कुछ डाल के, इसके अंदर ऑयल डाल के इसको मिक्स करूँगी। ठीक है, और अब इसके अंदर जो हमने नूडल्स बॉईल किए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक मिनट जी, तो ये देखें उसके अंदर नूडल्स डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी तो ये देखें नूडल्स मेरे बन के रेडी हो गए हैं। मैंने नूडल्स को उसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और ये बहुत ही स्पाइसी और मज़े के नूडल्स बनेंगे। मैं इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सकें। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।